Buddham sharanam gacchami, Dhammam sharanam gacchami, Sangham sharanam gacchami. Kapilvastu, yahi hai Shakyamuni Mahatma Buddha ka grihanagar. आज से लगभग 2500 साल पहले उत्तर भारत में 16 महाजनपद एवं कई गणराज्य विद्यमान थे। हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु के शाक्य इन्हीं में से एक थे। कपिलवस्तु की पहचान सिद्धार्थ नगर जनपद के पिपरहवा नामक स्थान से की गई है। गौतम बुद्ध की माता महामाया थी तथा पिता शुद्धोदन शाक्यों के गण प्रमुख थे। महामाया ने स्वप्न देखा कि एक अलौकिक सरोवर में चारों दिशाओं के दिक्पतियों के साथ स्नान करते समय एक विशाल हाथी अपनी सूंड में कमल पुष्प लेकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। ये संकेत था बुद्ध के जन्म का। कपिलवस्तु से अपने मायके जाते समय महामाया ने लुम्बनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व पूर्णिमा के दिन एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी थी कि राजकुमार या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा अथवा एक महान उपदेशक। अंततः ये भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। भ्रमण के दौरान एक वृद्ध की जरावस्था, एक रुग्ण व्यक्ति की पीड़ा और एक मृतक के संबंधियों का विलाप देखकर सिद्धार्थ व्यथित हो गए। अंत में एक प्रसन्नचित परिव्राजक सन्यासी को देखकर उन्होंने अपना लक्ष्य तय कर लिया और 29 वर्ष की युवावस्था में राजसी वैभव का परित्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े, अपनी निद्रालीन पत्नी एवं पुत्र को पीछे छोड़कर। गृह त्याग की ये घटना इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से प्रसिद्ध है। 6 वर्षों की कठोर साधना, अपने साथियों के तिरस्कार और अनेकों विचित्र घटनाओं के पश्चात अंततः बोधगया में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे मार्ग के विभिन्न विघ्नों पर विजय प्राप्त करते हुए वैशाख मास की पूर्णिमा को संबोधि प्राप्त हुई। सिद्धार्थ अब बुद्ध हो गए। इसके तत्काल बाद बुद्ध सारनाथ के ऋषिपत्तन मृगदाओ पहुंचे और अपने 5 साथियों को ही पहला धर्मोपदेश दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध वैशाली से पावा पहुंचे, चुंद नामक अनुयायी के यहाँ भोजन किया और भोजनोपरांत अतिसार से पीड़ित हो गए। इसी अवस्था में बुद्ध दूसरे दिन अपने अनुयायियों के साथ कुशीनगर पहुंचे और अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। अपने जीवन काल में ही बुद्ध ने अपने चचेरे भाई और प्रिय शिष्य आनंद से अपने निर्वाण के पश्चात अपने धातु अवशेषों पर स्तूप निर्माण की इच्छा व्यक्त की थी। उनके अवशेषों को 8 दावेदारों में विभाजित किया गया था और प्रारंभ में इन्हीं अवशेषों के ऊपर मिट्टी के अंडाकार शारीकी स्तूप बनाए गए। कपिलवस्तु का स्तूप इन्हीं प्रारंभिक स्तूपों में से एक है। बौद्ध साहित्य में कपिलवस्तु की चर्चा एक वैभवशाली नगर के रूप में प्राप्त होती है, परंतु 3री शताब्दी ईस्वी के बाद चीनी यात्रियों के विवरण के अनुसार कपिलवस्तु एक वैभवहीन स्थान मात्र रह गया था। 7वीं शताब्दी ईस्वी के बाद इस नगर का संदर्भ मिलना कम हो जाता है। 19वीं शताब्दी में इतिहास के प्रति एक नई चेतना ने प्राच्यविदों को साहित्य में वर्णित प्राचीन स्थलों की खोज की ओर आकर्षित किया और इस प्रकार कपिलवस्तु की खोज के भी प्रयास प्रारंभ हो गए। 1898 ईस्वी में बर्डपुर के जमींदार विलियम क्लैक्सटन पेपे ने पिपरहवा के टीले का उत्खनन किया, जिसके बीचों बीच 24 फीट नीचे कई पात्रों के साथ एक कलश मिला। इस पर प्रारंभिक ब्राह्मी अक्षरों में एक अभिलेख अक्षरों में एक
अभिलेख अंकित था, जिसके अनुसार भगवान बुद्ध की अस्थियों से युक्त ये कलश उनके वंशजों ने स्थापित किया। सुकीति भतिनम सभगी निकनम सपुत दलनम यम सलिल निधने बुधस भगवते सकियानम। इन पात्रों में सैकड़ों बहुमूल्य वस्तुएं थी। इनमें स्वर्ण निर्मित नारी आकृति युक्त पत्र, वलयाकृति मुद्रित तश्तरी, शलाका और विभिन्न चिन्हों जैसे स्वास्तिक, त्रिरत्न, त्रिगुणात्मक ध्वज, स्वर्ण व रजत से निर्मित पुष्प एवं तारे, ताबीज जैसी एक लघु मंजूषा, छिद्रित एवं अछिद्रित मोती, अर्धमूल्यवान पत्थरों से निर्मित पक्षी, त्रिरत्न एवं पुष्पकृतियां, मूंगे के टुकड़े, अर्धमूल्यवान पत्थरों तथा मूंगे से बने विभिन्न आकार के तराशे हुए मौके, सीप से निर्मित वस्तुएं, स्वर्ण रजत अर्धमूल्यवान पत्थर व अभ्रक के टुकड़े तथा कुंडलीदार तांबे के तार आदि वस्तुएं प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त लकड़ी तथा चांदी से निर्मित टूटे हुए पात्र भी प्राप्त हुए। उपरहिमा से प्राप्त अभिलेख युक्त कलश से प्रेरित होकर भारतीय पुरातत्व सर्वे पर एक मुख्य स्तूप, कतिपय संघाराम एवं विहार स्थित हैं। मुख्य स्तूप का निर्माण 3 चरणों में हुआ था। स्तूप के प्रथम चरण का निर्माण 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मिट्टी के भराव के माध्यम से किया गया था, जबकि द्वितीय चरण का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। ईसा की प्रथम शताब्दी में स्तूप का पुनः विस्तार किया गया और इसके वृत्ताकार मेढ़ को वर्गाकार आधार में परिवर्तित कर दिया गया। इसके अलावा पिपरहवा के उत्खनन में चारों दिशाओं में भिक्षुओं के निवास हेतु निर्मित संघाराम प्राप्त हुए थे। प्रत्येक संघाराम में दर्जनों कक्ष एवं बरामदे निर्मित किए गए थे। गनवर्य में हुए उत्खनन के परिणाम स्वरूप आवासों के अवशेष, स्तूप तथा कुओं इत्यादि के अवशेष प्रकाश में आए थे। यहां पर टीले के पश्चिमी छोर पर ईंटों से निर्मित एक विशाल संरचना के अवशेष विद्यमान हैं। लगभग 38 मीटर वर्गाकार इस संरचना के मध्य में ईंटों द्वारा निर्मित एक विशाल आंगन तथा इसके चारों ओर 26 कक्षों के अवशेष हैं। इन कक्षों में आंगन में अंदर की ओर आच्छादित बरामदे का प्रावधान था। इस संरचना में पूर्व की ओर से प्रवेश का प्रावधान था, जिसके एक ओर 2 बड़े कक्षों के अवशेष विद्यमान हैं। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि इस संरचना का निर्माण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ होगा तथा इसका उपयोग 1वीं शती ईस्वी तक हुआ होगा। उत्खननकर्ता ने इस संरचना की पहचान राजप्रासाद के रूप में की है। कुछ विद्वान इसे महाविहार मानते हैं। सन 2013 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डॉक्टर बुद्ध रश्मि मणि एवं प्रवीण कुमार मिश्र के संयुक्त नेतृत्व में यहां पुनः उत्खनन किया, जिससे प्राप्त अवशेषों की कार्बन डेटिंग से इन स्थलों की प्राचीनता 2000 वर्ष ईसा पूर्व तक प्रमाणित हो रही है। कपिलवस्तु में उत्खनन से प्राप्त कुछ अवशेषों को कपिलवस्तु संग्रहालय में रखा गया है, जिनमें मूर्तियां, मुद्रा एवं मुद्रांक, मिट्टी के खिलौने, मनके, चूड़ियां, मिट्टी के बर्तन, वाणाग्र, अंजन शलाकाएं आदि प्रमुख हैं।